आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। जनरल सेक्रेटरी अंजुमन इस्लामिया ज़िला चंबा, आज जो ये अंजुमन इस्लामिया चंबा की तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप हमने लगाया हुआ है, ये पिछले चार सालों से सैयद दिलदार अली शाह मरहूम की याद में हर साल लगाया जाता है। इस बार ये चौथी बार लग रहा है। हम चाहते हैं कि जिस तरह से पहले वो गंगा जमनी तहजीब को साथ में चलाना चाहते थे, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को इकट्ठा करके एकता का
सबूत देना चाहते थे, तो उसी कायम रखते हुए आज हमने फिर ये चौथी बार ब्लड डोनेशन कैंप जनाब लेट मरहूम सैयद दिलदार अली शाह जी की याद में हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। हमारी पूरी कोशिश है कि आज हम 100 यूनिट तक जो है वो ब्लड डोनेट करेंगे और इंशाल्लाह अज़ीज़ आइंदा साल में भी इससे ज़्यादा अच्छा हम परफॉर्मेंस देंगे और अंजुमन इस्लामिया ज़िला चंबा जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम करने के लिए काम कर रही है इसी तरह से हम करते रहेंगे और गंगा जमनी तहजीब को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद। मैं गुलाम सुलगामा अध्यक्ष गुज्जर समाज कल्याण सभा जिला चंबा। आज हम यहाँ पर मरहूम सैयद दिलदार अली शाह जी की याद में जो डोनेशन रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है इसमें ये लगभग 3 वर्षों से लगातार चल रहा है। एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल जो है वो कायम की है इन्होंने। मैं इनका अंजुमन इस्लामी के अध्यक्ष भाई इसरार अली शाह जी का दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने एक अच्छी मुहिम जो है जो छेड़ी है, तो हम सब मिलकर इसमें भाग ले रहे हैं और आने वाले समय में भी ये कार्य जो है चलता रहेगा इसी तरह। मेरा नाम रशीद मोहम्मद है, गांव मेरा पलेई, और ये जो हमारे मरहूम हजरत सैयद दिलदार अली शाह के नाम से जो इन्होंने ब्लड डोनेट का काम शुरू किया है आज से 3 साल पहले से, तो मैं बहुत अच्छा लगा और हम हर बार देते हैं और हमारी अपील है सभी हर धर्मों से कि ब्लड डोनेट किया जाए, इससे ब्लड बढ़ता भी है और हमारा खून अगर किसी बीमार के काम आए तो सबसे बड़ी बात है और सभी लोग इसके लिए आगे आएँ, हर धर्म से लोग आगे आएँ। शुक्रिया। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। अच्छा है अभी तक तेरा कुछ नाम नहीं है, तुझको किसी मजहब से कोई काम नहीं है। जिस इल्म ने इंसानों को तकसीम किया है उस इल्म का तुझ पर कोई इल्ज़ाम नहीं है। तू बदले हुए वक्त की पहचान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। मालिक ने हर इंसान को इंसान बनाया, हमने उसे हिंदू या मुसलमान बनाया। कुदरत ने तो बख्शी थी हमें एक ही धरती, हमने कहीं भारत कहीं ईरान बनाया। जो तोड़ दे हर बंद वो तूफान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। Thank you.
नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। नफरत जो सिखाए वो धर्म तेरा नहीं है, इंसान को जो रौंदे वो कदम तेरा नहीं है। कुरान न हो जिसमें वो मंदिर नहीं तेरा, गीता न हो जिसमें वो हरम तेरा नहीं है। तू अमन का और सुलह का अरमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, वतन बेचने वाले। ये दीन के ताजर ये वतन बेचने वाले, इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले, कफन बेचने वाले। इंसानों की लाशों के कफन बेचने वाले। ये महलों में बैठे हुए कातिल ये लुटेरे, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले, कांटों के इवज रूह चमन बेचने वाले। मैं सभी प्रेस मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने अपना समय निकाल के जो हमने एक नेक काम जो शुरू कराया है, जो ब्लड डोनेशन कैंप होता है, उसके लिए आप सब लोग आए हैं। मैं आप लोगों का तहे दिल से बहुत धन्यवाद करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम पिछले 3 साल से जो हमारे महरूम सैयद दिलदार अली शाह थे, उनकी याद में एक हमने ब्लड डोनेशन कैंप की शक्ल में उसको उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कार्य शुरू किया था। और ये हमारा जो कैंप है, इस बार 4th कैंप है। और हमने इस कैंप को इस बार सभी लोगों के साथ टाई अप करके, जैसे अंजुमन इस्लामिया सलूनी, अंजुमन इस्लामिया तीसा, अंजुमन इस्लामिया साहू, और हमारे लियाकत भाई और गुज्जर कल्याण सभा के हमारे गुलाम रसूल जी, और जितने भी भाई हैं सब मेरे साथ खड़े हैं। मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो उसके लिए माफ़ करें। कि हमने जिला स्तरीय कैंप ऑर्गेनाइज़ किया, और हम इस कैंप को हम कोशिश कर रहे हैं कि 100 से ज़्यादा यूनिट हम इकट्ठा करें, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि आजकल जो है रक्त की बहुत ज़्यादा कमी चल रही है। इस उपलक्ष्य में हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप किया, और गत वर्षों में भी हम ये ब्लड डोनेशन कैंप करते रहे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चंबा शहर में जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो आपसी मुस्लिम हिंदू भाईचारा है, हमने इस कैंप के माध्यम से हमारे सिख भाई, हमारे हिंदू भाई, हमारे ईसाई भाई, हम सब मुसलमान लोग, हम सब इकट्ठा होकर एक आपसी सौहार्द के लिए कैंप कर रहे हैं। और हम अपनी जो चंबा में जो रियासत काल से चली आ रही है तहजीब, उसको हमने कायम रखने के लिए कैंप का भी आगाज़ किया। जैसा कि हमारे अंजुमन इस्लामिया ज़िला चंबा के सदर भाई इसरार अली शाह ने आपको बतलाया है कि ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, सैयद दिलदार अली शाह स्वर्गीय हमारे महरूम अंजुमन इस्लामिया समिति के सदर रहे हैं, उनकी याद में जो लगातार 3 वर्षों से जो मनाया जा रहा है। सैयद दिलदार अली शाह एक ऐसी शख्सियत रहे हैं जिन्होंने संपूर्ण समाज के उत्थान के लिए काम किया है। एक सांप्रदायिक सौहार्द हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाईचारे को कायम करने के लिए गंगा जमुनी जो तहजीब है उसको बरकरार रखा है। और कहीं भी किसी भी समुदाय में कोई भी इस तरह की कोई भी आपदा आती थी, या कोई भी कमी होती थी, या किस तरह की, जैसे एक बार मणि महेश यात्रा के लिए कुछ लोग जा रहे थे, हिंदू भाईचारे के लोग जा रहे थे, उनका पर्स गिर गया, तो उन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंदर ही बहुत से पैसे इकट्ठे करके उस परिवार को बुलाया और उन पैसे दिए। तो जो उनकी सोच थी, उनके ही अनुयायी के तौर पर हम काम कर रहे हैं। और जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बतलाया कि ब्लड की जो कमी है हमेशा मेडिकल कॉलेज चंबा में खलती रहती है, बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको जो ब्लड की जरूरत पड़ती है, बहुत ही पुण्य का काम है जो अंजुमन इस्लामिया सदर कमेटी की ओर से किया जा रहा है। और टाइम टू टाइम हमारे अंजुमन इस्लामिया समिति के जो हमारे महासचिव हैं भट्ट साहब, ये गुजर समाज कल्याण सभा, जितने भी हमारे हिंदू संगठन हैं, वो सारे जो हैं ब्लड डोनेट करते हैं। और इस जो हमारी अंजुमन इस्लामी समिति का जो एक मनोबल है वो बढ़ाते रहते हैं। तो हम इस मौके पर सैयद दिलदार अली शाह जी की लिए हम जो है वो
दुआ करते हैं अल्लाह से, उम्मीद करते हैं कि उनकी हम राह पर दिखाए हुए रास्ते पर चलें, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनकी जो रूह है वो हमेशा जन्नत में रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज एक बार पुनः मैं जो अंजुमन इस्लामिया समिति है चंबा की, जिला चंबा की, जो सैयद इसरार अली शाह जो हमारे डॉक्टर साहब हैं उनकी सदारत में बहुत बढ़िया काम कर रही है, ज़िले के अंदर एक बहुत ही अच्छा जो है एक सांप्रदायिक सौहार्द की भावना को पैदा कर रही है। मैं ये बात बोलना चाहूँगा कि चंबा का जो एक इतिहास रहा है वो एक बहुत ही भाईचारे वाला इतिहास रहा है आज़ादी के बाद की बात, और इस इतिहास को, इस भाईचारे को हमने कायम रखना है। और जो कुछ एक दरिंदे हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं, जिस तरह से अभी घटना घटित हुई है, चाहे मनोहर हत्याकांड या कई बार इस तरह की छिटपुट घटनाएं जो गौकुशी की, जो अनपढ़ लोगों द्वारा, जाहिल लोगों द्वारा की, इसके लिए जो संपूर्ण समाज जो शर्मिंदा होता है। हम चंबा शहर के मुख्यालय में रहते हैं और चंबा शहर के जो हमारे लोग हैं बहुत ही सभ्य लोग हैं, दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, और हम कंडेम करते हैं इन सब बातों को कि जो इस तरह की जो हरकतें करेंगे आने वाले टाइम में, उनके समाज, मुस्लिम समाज के अंदर कोई भी उनका स्थान नहीं है, उनका सोशल बहिष्कार करने के लिए हमने ऐलान कर दिया है। और जो इस तरह की जो एक्टिविटी करेगा और समाज बाद में आएगा, हम हमारा जो समाज है उनको पहले जो है वो पुलिस और प्रशासन के हाथों देगा। एक बार पुनः मैं इन शब्दों के साथ जो है आप सबका अपन मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ कि इस मौके पर आपने जो ब्लड डोनेशन कैंप को जो कवर किया है, धन्यवाद चाहेंगे। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। आज पुरानी जंजीरों को तोड़ चुके हैं, क्या देखें उस मंजिल को जो छोड़ चुके हैं। चांद के दर पे जा पहुंचा है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। को कितने ताजमहल हैं और बनाने, कितने ही अजंता हमको और सजाने। अभी पलटना है रुख कितने दरियाओं का, कितने पर्वत राहों से हैं आज हटाने। नया खून है, नई उमंग, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। अपना ईमान बनाए, अपने हाथों को अपना भगवान बनाए।
राम की इस धरती को, गौतम की भूमि को, सपनों से भी प्यारा हिंदुस्तान बनाए। नया खून है नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। हर जर्रा है मोती, आंख उठाकर देखो, माटी में सोना है, हाथ बढ़ाकर देखो। सोने की ये गंगा है, चांदी की यमुना, चाहो तो पत्थर से धान उगा कर देखो। नया खून है नई उमंग, अब है नई जवानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। छोड़ो कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। रक्तदान शिविर में अभी तक जो है वो 30 डोनर जो है वो अपना रक्त जो है वो ब्लड बैंक को दे चुके हैं। मैं इसके पूर्व आपको बता दूं, अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा जो है वो पिछले 3 वर्षों से इस रक्तदान शिविर का आयोजन जो करती आ रही है। पिछले 3 वर्षों में ये रक्तदान शिविर जो है वो ब्लड बैंक पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज चंबा में होता आ रहा था। कोविड के दौरान भी अंजुमन इस्लामिया संस्था ने जो है वो 34 यूनिट्स यानी कि 34 यूनिट जो है वो ब्लड बैंक को दिए हैं। इस बार इस कार्यक्रम को जो है वो चुगार नंबर 5 में आयोजित किया गया है और तकरीबन 100 डोनर जो है वो आज यहाँ पे अपना जो रक्त जो है वो दान करेंगे, इस महादान का हिस्सा बनेंगे। युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष हमारे बीच विशाल बनवाल जी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। हमारे बीच जिला के महासचिव एडवोकेट कपिल भूषण जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं आपका भी यहाँ पर आने पर जो है स्वागत करता हूँ। बहुत बड़ा योगदान जो है वो जिला के इस ब्लड बैंक में रहता है, जब कभी भी लोगों को जरूरत पड़ती है तो ये तुरंत प्रभाव से जो है वो इकट्ठा होकर और जो ब्लड की कमी है उसे पूरा करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा आकाश चौहान, अंकुश भारद्वाज जी आएं और अपना जो है वो एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट यहां से हासिल करें। अंकुश भारद्वाज, सॉरी, इनके बाद जो है वो आकाश चौहान, धन्यवाद सर। मैं इस मंच के माध्यम से राजेश कुमार भल्ला जी जो कि इंस्ट्रक्टर इंडस्ट्री आईटीआई में जो मैथ के इंस्ट्रक्टर हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आप भी इस महादान में जो अपना योगदान दे रहे हैं। सर थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबको मिले मेहनत के मुताबिक
अपना अपना हिस्सा सबके लिए सुख का बराबर हो बंटवारा यही पैगाम हमारा यही पैगाम हमारा एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाए छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क नहीं रह जाए इस धरती पर हो प्यार का घर घर उजियारा यही पैगाम हमारा यही पैगाम हमारा इंसान का इंसान से हो भाईचारा यही पैगाम हमारा यही पैगाम मानी कोई सिस्टर ये खाना खाने के खाने निकाल देते हैं। अच्छा इनके साथ अंजू के साथ बाहर कितना? मेरा बाहर 75 यहाँ से अवगत करवा दूँ कि इस समय तक हमारे जो डोनर हैं उनकी संख्या 52 गुंजा हो चुकी है। जोरदार तालियां इस रक्तदान शिविर को एक ऐतिहासिक रक्तदान शिविर बनाने के लिए हमारी ये कोशिश रहेगी कि इस महादान शिविर में आज जो है वो कम से कम 100 से लेकर 120 यूनिट जो है वो हम पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज को जो है वो दें। ये सारा तभी संभव हो पाएगा जब आप जैसे लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो है वो चलते रहेंगे। मैं एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा तमाम उस जनता का जिन्होंने इस रक्तदान शिविर में जो है वो अपना योगदान दिया है और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए अपनी पूरी मेहनत करी है। चंद्रेश चौहान जी आपसे गुजारिश है कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पे चले जाएं आप। हमारे बड़े भाई शकील शाह जी जो है वो इस पंडाल में उपस्थित है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मंच पर आए, सम्मानित करें समिति की देकर और उन्हें जो है अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दे सा बनी है। मैं धन्यवाद करूंगा हेड कांस्टेबल हिमाचल प्रदेश पुलिस विक्रांत कालिया जी का जो इस महादान शिविर में अपना योगदान दिया है। धन्यवाद विक्रांत जी, इसे मैं गुजारिश करूंगा वो मंच पर आए। आज ऐतिहासिक रंग जो लेने वाला है इस चौगान नंबर 5 में शिविर को ऐतिहासिक शिविर बनाने के लिए, क्योंकि आप सभी के योगदान से कमेटी का वो भी हमारे बीच आ चुके हैं, उनके साथ मौलाना लतीफ जी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष पीर मोहम्मद जी हमारे बीच आ चुके हैं। ये चुरा अंजुम इस्लामी एक्शन कमेटी के अध्यक्ष हैं और अपने कीमती समय से जो है आज चंबा के ऐतिहासिक चौहान नंबर 5 में जो है वो आ चुके हैं। इनके साथ कलेल नैला से अयोग जी एक समाजसेवी हैं और ऐसे ऐसे समाजसेवी कामों में जो है वो अपना योगदान पुरजोर देते रहते हैं। इस रक्तदान शिविर के पहले डोनर मोहम्मद रफी जी चुरा घाटी का दूर दराज का क्षेत्र हमारे पंडित जी हमारे बीच आ चुके हैं। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कई मरतबा इन्होंने जो है चंबा के जनता के लिए अपना जो रक्त दिया है। मैं इस मंच के माध्यम से अंजुमन इस्लामिया की ओर से हमारे पंडित जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इसके बाद आप मंच पर आएंगे। इस्लामिया की हर एक गतिविधियों को आपके लिए चलाने के लिए मैं धन्यवाद करूंगा, सिटी चैनल का भी। लेना चाहता हूं हमारे
रिकू भाई जो हमारे बीच आए हैं। रिकू भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमेशा मार्गदर्शक इनका हमारे युवाओं के साथ रहा है। और ईद की नमाज हो, जुमे की नमाज हो, भाई हमारे साथ हैं। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी जगह पे आज कार्यकारिणी अध्यक्ष अब्दुल मजीद जी हमारे बीच हैं। सलोनी के सदर जनाब फारूक भट्ट जी इस पंडाल में ही हैं। मेरी उनसे भी गुजारिश रहेगी अगर वो जहाँ कहीं भी हैं इस मंच के पास ही रहें। मेरी अंजुमन इस्लामिया चंबा के सदर भाई डॉक्टर इसलाल अली शाह से गुजारिश रहेगी कि हमारे पंडित जी स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और कई बार जो है आपने ऐसे सराहनीय काम भी किए हैं जिन्हें बुलाया नहीं जा सकता। चंबा के इस ऐतिहासिक इस दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ऐतिहासिक सपड़ी मंदिर के पुजारी भी हैं ये, मैं इनका अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा की ओर से और समस्त मुस्लिम समुदाय की ओर से धन्यवाद करता हूँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने अभी तक 12 बजे के आंकड़े के हिसाब से 60 यूनिट हमने जो डोनेट कर दिए हैं। आप सभी के सहयोग से आंकड़ा जो है 100 होने वाला है। शाम को 5 बजे तक ये रक्तदान शिविर चलेगा। थोड़ी ही क्षणों में माननीय मुख्य अतिथि महोदय नीरज नैयर जी सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं हमारे बीच अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रहे हैं। बिल्ले जुआ पोस्ट ऑफिस दाड़वी डिस्ट्रिक्ट व तहसील चंबा का मैं स्थायी निवासी हूं, जो कि मैं 1990 में शिमला में पढ़ाई करता था। तो 3 बार मैंने IGMC शिमला में ब्लड डोनेट किया था। उसके बाद मैंने अभी 15वीं बार टोटल 3 बार शिमला में और 12 बार इधर चंबा में ब्लड डोनेट किया। ज़्यादातर मैंने एक्सीडेंटल केस में और जो डिलीवरी केस होते हैं उसमें। एक बार तो मेरे को रात बजे जब 12 बजे फ़ोन आया तो मैं कहीं शादी में था, तो ये जो इनकी ये क्लीन ग्रीन वैली वालों का, तो उन्होंने मेरे को बोला ब्लड चाहिए AB पॉजिटिव। तो मैंने बोला मैं शादी करवा रहा हूँ, 2-3 घंटे बाद मैं फ्री होऊंगा, अगर आप गाड़ी अवेलेबल करवा देते हो नैनीखेड़ से मैं आके। उनको सुबह 3 बजे ब्लड डोनेट किया था। तो मैं सभी समस्त भाइयों का जिन्होंने कैंप रखा उनका भी तह दिल से धन्यवाद करता हूँ। कि मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि महीने में 1-2 बार जो है कैंप जरूर होना चाहिए, क्योंकि ब्लड हर किसी को ज़रूरत पड़ती है। जय हिंद, जय हिमाचल, जय भारत। पूर्व में रहे एक्सिन PWD आदरणीय श्री ब्रिजलाल जी और उनके साथ हमारे देशराज जी बड़े अजीज लोग थे। आज उनकी याद में हमारे बीच चड्डा अंकल भी आ चुके हैं। मैं चड्डा अंकल जी का, ब्रिजलाल अंकल जी का और राणा जी का यहाँ पर आने पे स्वागत करता हूँ। आपकी कई यादें जो हैं वो सैयद दिलदार अली शाह जी के साथ उनके जीवन काल में बीती हैं। हम उन पर भी प्रकाश डालने के लिए आपको यहाँ पर बुलाएंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने इतने अजीज को याद करने के लिए। ऐसी शख्सियत जिसने चंबा को एक आपसी भाईचारे के साथ रखा और हमेशा अपनों के दिलों में जगह बनाई, आज भी चंबा का आखिरी कोने तक का जो एक व्यक्ति है उसे याद करता है, उनके साथ रहेंगे। ऐसे समय में हमें छोड़ के गए थे जिस समय अभी हमने कुछ सीखा नहीं था, लेकिन फिर भी उनकी यादों ने और उनके सिखाए हुए रास्तों ने हमें जो है वो यहाँ तक पहुँचा दिया कि उनकी याद में हमने जो है वो एक ऐसा आयोजन करने का सोचा और उसे पूर्ण करने के लिए आप सभी ने ये योगदान दिया। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ समस्त शाह परिवार की ओर से। इस दिन को यादगार बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद शाह परिवार की ओर से आप सभी का यहाँ पधारने पर, और अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा की ओर से यहाँ पर पधारने पर जो है वो हमारे साथ भाइयों की तरह बचपन से रहे हैं। उन्हें इमरान भाई को मंच पर बुलाऊंगा कि वो मंच पर आए और इस महादान शिविर में जो लोग अपना योगदान दे रहे हैं उन्हें जो सम्मानित करें। इसके बाद मैं भूपेश कुमार जो रक्तदान शिविर को ऐतिहासिक रक्तदान शिविर
बनाने के लिए आप सभी का योगदान जो बहुत ज़रूरी था और आपने पुरजोर तरीके से वो योगदान दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विवेक कौंडल जी इनका नाम है, इमरान भाई, फैसल अली शाह, अब्बास अली शाह, धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो दिन रात इस समाज के जरिए एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रतीक बन चुकी है, अब्दुल गनी जी, सौभाग्य की बात है हमारे बीच आ जाए हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की जानी मानी हस्ती हैं। शाम को घर वापसी के समय हर एक व्यक्ति विशेष का खुद जाकर जो है वो हालचाल जानते हैं, और अगर किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या या कोई तकलीफ वहाँ नज़र आती है तो खुद प्रशासन के साथ और मेडिकल कॉलेज के स्टाफ के साथ उसे अवगत करवा कर उसका निवारण करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं सर आपका, अंजुमन इस्लामिया आपका धन्यवाद करती है इस काम के लिए, सराहनीय काम है, इतनी आयु समय समय पर लोगों की सेवा की है और करते आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, सेवा दल के चीफ रह चुके हैं और अभी भी जो है वो जिला कार्यकारिणी जो है वो इसी परिचय के मोहताज नहीं है। ये मंच बड़ा छोटा रहेगा उनकी उपलब्धियां गिनाने के लिए, इन्हें जो है वो राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो सम्मानित किया जा चुका है। आपको बड़ी खुशी होगी ये बात जानकर कि अब्दुल गनी जी ने, जहाँ तक आंकड़ा मेरे पास पहुँचा है, 210 बार जो है वो अपना रक्त जो दान किया है, बहुत बड़ी उपलब्धि जो है हिमाचल प्रदेश के लिए और चंबा जिला के लिए, क्योंकि ऐसा मैं समझता हूँ कि इस अपनी जीवन काल में जो काम इनके द्वारा कर दिया गया है वो अब दोबारा नहीं आ सकता, क्योंकि इतनी एज में भी ये जो है वो आज भी, चाहे वो कुष्ठ रोग अस्पताल हो, चाहे हमारा चंबा का जो मेडिकल कॉलेज का अस्पताल हो, वहाँ पर खुद जाकर जो है लोगों की हालचाल जानते हैं और अगर कोई परेशानी उन्हें नज़र आती है तो उसे जो है उसका निवारण के लिए खुद कॉलेज प्रशासन के साथ, अस्पताल प्रशासन के साथ जो है वो अवगत करवा कर उसका निवारण करते हैं। सर धन्यवाद आपका यहाँ पधारने पर, इसको सम्मानित करें। सर काइंडली आप स्टेज पर आएँ और उन लोगों को सम्मानित करें। देशराज अंकल जी से वो भी मंच पर आए, राणा जी आप भी मंच पर आए, इसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी गुंजन भाई से, गुंजन पाठक जी से। धन्यवाद सर इस रक्तदान शिविर को जो है ऐतिहासिक रक्तदान शिविर बनाने के लिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के योगदान से जो ऐतिहासिक होने जा रहा है, मैं यहाँ पर हमारे बीच अजाद भाई मुन्ना भाई जो है वो आ चुके हैं, मैं मुन्ना भाई का भी यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मुन्ना भाई के बारे में बता दूँ, ये हमारे बड़े भाई हैं और जामिया जमालिया इस्लामिया राजपुत मदरसा चलाने के लिए भी इनका बहुत योगदान रहता है, बिना कुछ बताए जो है वो सामान वहाँ पहुँचा देते हैं। मुन्ना भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज बड़े अरसों के बाद आपके साथ इस तरह मिलना हुआ। वैसे तो कोर्ट में मुझे रोज़ मिलते रहते हैं लेकिन इस तरह आपको हमने यहाँ बुलाया और आपने अपना कीमती समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस्लामिया जो है वो भी अंजुमन इस्लामिया द्वारा चलाई गई एक संस्था है जहाँ पर गरीब और असहाय बच्चों को जो है वो शिक्षा दी जाती है, जिसमें दीनी तालीम और दुनियावी तालीम जो है वो हासिल करवाई जाती है, आपसे पहुंचाता है। लेकिन मैं मुन्ना भाई का खास तौर पर यहाँ से धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मुन्ना भाई और दाजू भाई ऐसी शख्सियत हैं कि जो बिना बताए Yeah.
ए बी नेगेटिव है तो आपको पता है ब्लड ग्रुप सबसे रेयर है, चोट वोट ज्यादा ना लगे कभी। अच्छा मोबाइल नंबर 62। मैं उनका कमेटी की ओर से धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ कि उच्च इच्छा से वो इस महादान का हिस्सा बनने के लिए यहाँ आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शिविर को ऐतिहासिक बनाने के लिए आप सभी का एक अहम भूमिका है, जो दौर रहा है उसके लिए आप सभी जो है वो बधाई के पात्र हैं। हम इस मंच के माध्यम से आपका जो है वो धन्यवाद। डॉक्टर रोजा जी, अब इसके बाद मैं मंच पर बुलाऊंगा अर्शी शाह जी को। मंच पर आए करें अर्शी शाह। स्वागत।
अनिल राणा जी युवा कांग्रेस के चंबा विधानसभा के अध्यक्ष हैं और बाट पंचायत से जो है वो प्रधान है। सुनील कुमार जी संदीप कुमार सुजल आप सभी का इस रक्तदान शिविर को एक ऐतिहासिक रक्तदान शिविर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राणा जी। माननीय सदर विधायक श्री नीरज नैयर जी कुछ ही क्षणों में जो आपके बीच आने वाले हैं, समस्त कार्यकारिणी से गुजारिश रहेगी कि मंच से हटकर जो है वो एंट्री गेट की तरफ इकट्ठा हो जाएं और गुजारिश रहेगी डॉक्टर इसरार अली शाह से कि वो अपने कार्यकारिणी के साथ इस कमेटी के सदर साहब के साथ जो है मुख्य अतिथि को मेरी गुजारिश रहेगी जो हमारे युवा साथी हैं शैंकी जी वो भी मुख्य अतिथि को लेने के लिए प्रवेश द्वार की तरफ जाएंगे, प्रवेश द्वार की तरफ मुख्य अतिथि को लेने के लिए जाएंगे। अमन मिर्जा जी, नईम शेख जी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना करें और जो लोग ये पंडाल के इर्द गिर्द खड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय सदर विधायक श्री नीरज नैयर जी कुछ ही क्षणों में हमारे बीच आ रहे हैं। डॉक्टर इसरार जी हमारे साथ हमारे ही हिमाचल प्रदेश पुलिस की यातायात टुकड़ी भी हमारे बीच आ चुकी है। मैं इनका भी यहाँ पर बात करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ। इनका एक अहम भूमिका जो है शहर यातायात देरी के लिए हाथ जोड़ के बहुत बहुत माफी। हाँ जी क्या हाल है जनाब? हाँ जी आपको हाँ जी जानना जी कोई कुछ नहीं है।
ਦਾਸ ਬਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਰਹਿਣ ਸਰਦਾਰ विधायक जी के साथ खाली रखे पंडाल के बाहर जो लोग खड़े हैं वो अपना अपना स्थान ग्रहण कर ले। दर्शकों की मेरी गुजारिश रहेगी कि पंडाल के अंदर आ जाए। माननीय सदर विधायक श्री नीरज नैयर जी हमारे बीच आ चुके हैं और उन्हें स्कॉर्ट कर रहे हैं। रिश्तेदार निशा जी जो की अध्यक्ष हैं जिला जो इस्लामिया के, मेरी गुजारिश रहेगी कि मंच के इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं वो अपना स्थान ग्रहण कर लें और माननीय मुख्य अतिथि जी को मंच तक आने के लिए रास्ता खाली कर दें। मेरी कमेटी के सदस्यों से गुजारिश रहेगी और माननीय मुख्य अतिथि जी को मंच तक लेकर आए। आपकी कब हो रही प्रमोशन? जनाब माननीय सदर विधायक श्री नीरज नैयर जी पंडाल के समक्ष आ चुके हैं। मैं उनका अपनी ओर से और अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा की ओर से स्वागत करें श्री नीरज नैयर माननीय सदर विधायक चंबा सदर विधानसभा क्षेत्र। नीरज नैयर जी पंडाल के बीच आ चुके हैं और अपने कर्तव्य द्वारा जो है ब्लड डोनेशन कैंप जो अंजुमन इस्लामिया द्वारा पिछले चार वर्षों से लगाया जा रहा है उसका विधिवत जो है वो शुभारंभ कर रहे हैं। उनके साथ गणमान्य लोग ब्लड बैंक की और अग्रसर और जो लोग इस रक्तदान शिविर में अपना योगदान जो दे रहे हैं उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए मुख्य अतिथि महोदय उनके बीच जा चुके हैं। अच्छा अपने पुलिस वाले कल उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए माननीय विधायक जी जो है वो डोनर्स के बीच जाएंगे और जो लोग इस महादान शिविर का मेरी गुजारिश रहेगी साथ में आए गणमान्य लोगों से जो अपना अपना स्थान जो है वो ग्रहण कर लें। गणमान्य व्यक्तियों को जो है वो उनके उनकी जगह पर बताएं। माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी अपने बिजी शेड्यूल में से कुछ समय अंजुमन इस्लामिया के लिए निकाला और इस महादान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि आए। मैं उनका यहाँ पर आने पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। ये भी रफ्तार पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए और हमारे बड़े भाई श्री नीरज नैयर जी हमारे बीच आ चुके हैं। बड़े भाई आपका इस रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ हमारे वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता और जिला के महासचिव नरेश राणा जी ब्लॉक के महासचिव भाई चंदनी के अध्यक्ष हैं हाजी दीन मोहम्मद जी प्यारे मोहम्मद जी पीर मोहम्मद जी हमारे भाई विवेक कौंडल जी
यहाँ कमी भी है, मंच पे बैठने जा रहे हाँ जी अमीन मलिक जी मान लीजिए मैं आपको बता दूँ ये 3-4 मिलते हैं बिना कुछ सोचे इस महादान में हिस्सा लेते हैं और एक चीज और मैं आपके समक्ष मैं एक बार फिर से रिकॉर्ड रिपीट कर दूंगा बिना जी कपूर कैसी है फिर मोहम्मद जी और अमीन मलिक जी आओ देखा जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें माननीय मुख्य अतिथि महोदय जी का मेरी गुजारिश रहेगी कि मंच के श्री नीरज नैयर जी हमारे बीच आ चुके हैं कृपया करके उन्हें अपनी अपने लोगों के साथ मिलने का मौका दें आगे बढ़ाने की आज्ञा चाहूंगा सर आपका अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा की ओर से इस रक्तदान शिविर में पधारने पर बहुत बहुत धन्यवाद हम समझते हैं आप एक बिजी शेड्यूल में हैं और आपकी माता जी जो है वो बीमार हैं उसके चलते आपने हमारा जो ये इनविटेशन था वो स्वीकार किया और आपने हमें समय दिया हम इसका आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम आपके आभारी हैं माननीय विधायक जी मैं आपको इस मंच के माध्यम से जो कार्य अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा कर रही है उसके बारे में थोड़ा सा अवगत करवा दूँ अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा 1919 में बनाई गई संस्था थी जिसे काम करते हुए तकरीबन 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं और 1979 में से जो है वो रजिस्टर्ड किया गया था हर एक ब्लॉक स्तर पर इसकी कमेटियां बनाई गई हैं जो अपने अपने ब्लॉक में जो कार्य उन्हें लगता है करने वाला है समाज के लिए वो करती आ रही है अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा ने 6 सितंबर 2019 को एक ऐसे व्यक्ति को अचानक खो दिया था जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है अचानक उनका चले जाना हमारे लिए तो खैर लेकिन पूरी कौम के लिए एक बहुत बड़ा हाथ था और आहिस्ता आहिस्ता उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलकर आज इस प्रोग्राम को आप सभी के योगदान के साथ करने का प्रयास किया है और शायद कहीं तक सफल होने की कोशिश हो रही है माननीय विधायक जी मैं आपको एक चीज बता दूं कि 6 सितंबर 2019 के बाद अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा और शाह परिवार ने एक प्रण लिया था कि मरहूम सैयद दीदार अली शाह की याद में हर साल एक रक्तदान शिविर जो है वो आयोजित किया जाएगा और आप सभी के योगदान से माननीय विधायक जी के योगदान से वो कार्यक्रम हम करते आ रहे थे पिछले 3 वर्षों में भी हमने ये प्रोग्राम ब्लड बैंक के अंदर किया था और कोविड के दौरान भी हमने 45 यूनिट्स जो है वो ब्लड बैंक में दिए थे और भी समाज में जो भी हमें काम दिखते थे चाहे वो कोविड काल में आपके द्वारा आदेश थे कि लोगों की मदद करनी है राहत कोष में जो फंडिंग करनी है वो हमने की थी माननीय महोदय जी मैं आपको बता दूं आज ये कैंप चौहान नंबर 5 के प्रांगण में किया जा रहा है जिसमें इस वक्त तक 70 यूनिट समझो है वो ब्लड बैंक के खाते में दे चुके हैं सॉरी 86 जिनका आंकड़ा अभी जो है 86 हो चुका है और निरंतर ये बढ़ता जाएगा और हम ये कोशिश करेंगे कि जो हमारी उम्मीद थी 120 यूनिट जो हम जो है वो दे सकें इसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक चीज़ अभी मुझे पता चली है कमेटी के सदस्यों द्वारा कि अभी तक ये जिला का सबसे बड़ा कैंप है जो आपके आशीर्वाद से हमने यहाँ पर आयोजित किया है जिसमें अंजुमन इस्लामिया के साथ साथ हिंदू मुस्लिम सभी भाईचारे ने जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है इसके साथ हमारे साथ हर बार जो चंबा सेवियर सोसाइटी जो है वो कंधे से कंधा मिला के चलती है आज भी चंबा सेवियर सोसाइटी सुबह से हमारे साथ इस काम को संपन्न करने के लिए हमारे साथ
जो है वो। अब इसके बाद मैं डॉक्टर इसरार अली शाह जो अध्यक्ष हैं जिला अंजुमन इस्लामिया चंबा के, उनके साथ हाजी अशरफ जी जो महासचिव हैं हमारे अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा के, रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हमारे पास हमीद खान जी हैं और आजाद हुसैन जी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय सदर विधायक श्री नीरज नैयर जी को शॉल टोपी और स्मृति चिन्ह देकर जो है वो सम्मानित करें, कि उन्हें टोपी पहनाकर सम्मानित करें। हाजी साहब से मेरी गुजारिश रहेगी कि उन्हें जो है वो शॉल देकर सम्मानित करें। इसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी आजाद हुसैन जी से, हमीद खान जी से, कि वो माननीय सदर विधायक श्री नीरज नैयर जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। मंच कर अध्यक्ष डॉक्टर इसरार अली शाह जी से कि वो माननीय मुख्य अतिथि जी का जो है अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। अंजुमन इस्लामी की तरफ से आप समस्त चंबा वासियों को और हमारे हरदिल अजीज और चंबा के सदर विधायक श्री नीरज नैयर जी का यहाँ आने के लिए खैर मकदम करता हूँ और बहुत धन्यवाद करता हूँ कि सर ने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला है और हम लोग इनके बहुत आभारी हैं इस कार्य के लिए। और मैं सर को थोड़ा सा दो तीन चीज़ें बताना चाहता हूँ। सर, ये जो ब्लड डोनेशन कैंप है, ये हमने आज जिला स्तरीय लेवल पे इसका ऑर्गेनाइजेशन किया था और इसमें हमारी जितनी भी अंजुमन की सारी समितियाँ हैं, चाहे वो तीसा की हो, चाहे वो सलूनी की हो, साहू की हो, पूरे चंबा डिस्ट्रिक्ट की, और जितना भी हमारे मुस्लिम हिंदू भाईचारा है, जितने लोग हैं, इन सब ने हमारा पुरजोर तरीके से समर्थन किया है। और मैं ख़ास तौर पर चंबा सेवियर सोसाइटी, जिसके अध्यक्ष श्री चरणजीत जी हैं और हमारे अमित महाजन जी हैं और आशीष समी जी हैं, उनका मैं बहुत ज़्यादा आपने दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो सर, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि हम गत हर साल ऐसे ही इसी तरह से कैंप को ऑर्गेनाइज करेंगे और इसी तरह से करते रहेंगे। धन्यवाद। सदर सलूनी अंजुमन इस्लामिया फारूक भट्ट जी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो मंच पर आए और अपने कार्यप्रणाली और दिलदार अली शाह जी के साथ बिताए यादों को जो साझा करें। अजीज, आज के इस ब्लड डोनेशन कैंप के मुख्य अतिथि चंबा के सदर विधायक जनाब नीरज नैयर जी, जिला अंजुमन इस्लामिया के सदर डॉक्टर इसरार अली शाह साहब व साथ में मंच पर बैठे तमाम मुअज्जज़ मेहमान, दूर दराज के क्षेत्र से आए हुए बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों और बच्चों, मैं आज अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा की ओर से आप सबका इस ब्लड डोनेशन कैंप में आने पर दिल की गहराइयों के साथ हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागतम करता हूं। जनाब, जिला अंजुमन इस्लामिया ने पिछले 3 वर्षों से लगातार ये ब्लड डोनेशन कैंप कायम किया हुआ है, जो हमारे जिला अंजुमन इस्लामिया की शान, मरहूम जनाब दिलदार अली शाह जी थे, वो जिला चंबा की एक ऐसी शख्सियत थे कि जिला चंबा के किसी भी कोने में अगर हमें कोई परेशानी होती थी तो हम फोन के माध्यम से उनको अवगत करवाते थे और हमारी हर समस्या का हल कुछ ही मिनटों में वो प्रशासन से मिल करके करवा देते थे। आप जो भी यहाँ पर आए हुए हैं, सब लोग जानते हैं कि सैयद दिलदार अली शाह साहब वो शख्सियत थे कि वो सिर्फ मुसलमानों के ही रहनुमा नहीं थे, बल्कि उन्होंने हिंदू भाइयों के लिए, सिख और ईसाई भाइयों के लिए भी काम किया, उनकी समस्याओं का समाधान किया। आप सब लोग जानते हैं कि सैयद दिलदार अली शाह साहब वो शख्सियत थे कि जिन्हें आज
जिला चंबा ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के हर कोने से याद किया जाता है। जनाब, मैं आपको चंद शब्दों में सैयद दिलदार अली शाह साहब जी का के जीवनी के बारे में बताना चाहता हूं कि जब से नसरुल्लाह खान साहब अंजुमन इस्लामिया चंबा के सदर रहे, तब से वो उनके साथ जुड़े रहे। मेरे वालिद मोहतरम ने भी उनके साथ काम किया। उनके गुजर जाने के बाद सैयद मरहूम दिलदार अली शाह साहब ने मुझे अपने साथ काम करने का मौका दिया और हमने कंधे से कंधा मिला करके उनके साथ काम किया। उनकी ही याद में आज हम ये कैंप का आगाज यहाँ पर कर रहे हैं। अगर दिलदार अली शाह साहब हमारे जिंदा होते तो जो गंगा जमुनी तहजीब, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा आज हमारे बीच है, वो इससे भी ज्यादा होता। मैं सबको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जो आज यहाँ पर इस कैंप में हमारे हिंदू भाइयों ने, नौजवान साथियों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, इस ब्लड को डोनेट किया, क्योंकि हमारे चंबा में जो गरीब लोग इधर उधर से गांव से आते हैं उनको खून की सख्त ज़रूरत होती है। उस कमी को पूरा करने के लिए अंजुमन इस्लामिया ज़िला चंबा ने ये निर्णय लिया कि उनकी इस कमी को कैसे पूरा किया जाए, उनकी मदद कैसे की जाए। और हमने ये कैंप जो है चौथे साल फिर इसका हमने जो लगातार चार साल से कर रहे हैं। मैं ज़्यादा कुछ न बोलता हुआ मैं आप सबको इस कैंप में आने पर, यहाँ सहयोग करने पर ज़िला अंजुमन इस्लामिया की तरफ से दिल की गहराइयों के साथ आपका धन्यवाद करता हूँ और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और काबिले मुबारक हैं हमारे सदर सैयद इसरार अली शाह साहब, जिन्होंने सैयद मरहूम दिलदार अली शाह के नक्शे कदम पर चलने की जो कोशिश की। मैं उनकी सारी टीम को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जनाब विधायक सदर पवन नैयर, नीरज नैयर जी, कि वो हमारे शॉर्ट नोटिस के ऊपर, हमारी गुजारिश के ऊपर हमारे बीच आए और हमारे हौसलों को बुलंद किया। हम आपका एक बार फिर से इस ब्लड डोनेशन कैंप में पधारने पर दिल की गहराइयों के साथ धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद भाई फारूक भट्ट जी, आपने चंद शब्दों में जो है वो चंबा की गंगा यमुना तहजीब के बारे में भी बताया और अपने जो योगदान मरहूम दिलदार अली शाह जी के साथ एक यादगार पल जो आपने बिताए, आपने उन्हें भी जो है हमारे बीच रखा। मैं इसके बाद माननीय विधायक जी से गुजारिश करूंगा कि इस मंच, इस प्रोग्राम में हमने जो है उन लोगों को याद किया था जो लोग मरहूम दिलदार अली शाह जी के साथ हमेशा रहते थे और उनके साथ एक जो जिंदा दिली यादें जो वो छोड़ के गए हैं उन्हें भी हमने अपने बीच बुलाया है। मरहूम दिलदार जी के अजीज हुआ करते एक्सिन साहब हमारे बीच हैं, भूपेंद्र अंकल हमारे बीच हैं, देशराज राणा जी हमारे बीच हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा चड्डा अंकल से कि चंद शब्द हमारे बीच उनकी, उनके साथ बिताई गई यादों के आप रखें और उनकी जो जिंदगी पे है जो प्रकाश डालें। श्री नीरज नैयर जी, सदर बधाई चंबा और अंजुमन इस्लामिया के मेंबरगण, चुरा तहसील के अंजुमन इस्लामिया के सदर फारूक भट्ट जी, यहाँ के अंजुमन इस्लामिया के सदर इसरार अली शाह जी, मैं आज सभी बंधुओं का यहाँ पधारने पर स्वागत करता हूँ। इसरार अली शाह और अंजुमन इस्लामिया चंबा के प्रयत्नों से ये सारा जो कार्यक्रम आज यहाँ होने जा रहा है उसके लिए इन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या की है। चार साल से ये कैंप को लगा रहे हैं रक्त शिविर के लिए, आज ही ये 100 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। अब मैं दिलदार अली शाह जी के बारे में बताना चाहूँगा।
वो बचपन से ही समाज सेवी थे। उन्होंने सरकारी नौकरी में रहते हुए जितना समय उनको मिलता था वो निकाल कर लोगों की सेवा करते थे। दिन रात कोई भी दीन दुखिया या जरूरतमंद उनके पास आता था तो वो उसकी हेल्प करने के लिए दौड़े चले पड़ते थे। इसके साथ ही उन्होंने कई सामाजिक कार्य किए। जब वो अंजुमन इस्लामिया चंबा के प्रधान बने तो उन्होंने दिन रात एक कर दिया और उसकी तरक्की के लिए उसके रुतबे को बढ़ाने के लिए और यहाँ मस्जिद थी उसका जीर्णोद्धार करने के लिए उन्होंने लोगों के सहयोग से लाखों रुपए इकट्ठे किए और यहाँ पर बहुत बढ़िया काम करवाया जो कि मुस्लिम बरादरी को सालों सालों याद रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने चंबा की का पवित्र स्थल राजपुरा जहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों कम्युनिटी पूजा करने के लिए जाते हैं वहाँ पर एक बड़े स्कूल का निर्माण करवाया। वहाँ उसमें वो बड़े दूर दराज के क्षेत्रों से मुस्लिम वर्ग के छात्र पढ़ने के लिए लाए। उनका रहने सहने और खाने का सारा खर्च वो स्वयं लोगों की सहायता से करते थे। उनका कोई भी खर्च पढ़ाई में वहाँ नहीं आता था। उनको उसमें आर्थिक और सामाजिक कई कठिनाइयों से भी जूझना पड़ा तो उन्होंने बड़ी कर्मठता से बड़ी बहादुरी से इसका मुकाबला किया और बहुत से काम उन्होंने सामाजिक किए। लोग रिटायर होकर काम करने के लिए आते हैं वो तो बचपन से ही समाज के कार्यों से जिनसे जूझ रहे थे। मैं उनके बारे में बहुत सी घटनाएं हैं अगर सुनाने लगूंगा तो सारा दिन बीत जाएगा। एक घटना में उनकी दिलचस्पी के बारे में उनके काम करने के स्टाइल में मैं बताना चाहूँगा कि जब वो किसी काम को करना चाहते थे तो कितनी गुरता से कितने उत्साह से उसके पीछे बढ़ जाते थे। एक समय की बात है उनका एक टेलीफोन मुझे सुबह सुबह 6 बजे आ गया और कहा कि चड्डा जी मैं आपके घर आना चाहता हूँ कि आप घर पर हैं। मैंने कहा मैं घर पर हूँ, क्या बात है? मैंने कहा तो उन्होंने कहा मेरे को कुछ काम है जो आप करवा सकते हैं और अगर आप करवा देते हैं तो मैं आता हूँ आपके पास। मैंने कहा आ जाइए। वो मेरे घर पहुँचे तो मैंने उन्हें कहा बताइए क्या बात हो गई। तो उन्होंने कहा बात कुछ भी नहीं है, मैं आपकी हेल्प लेना चाहता हूँ, आप बताइए क्या एक दोस्त दूसरे की मदद करेगा। मैंने कहा मैंने कभी भी आपके काम को कोई इनकार किया है? तो उन्होंने कहा ऐसी बात है, फौकर सिंह भरमौरी आपके दोस्त हैं, आजकल वो फॉरेस्ट के मिनिस्टर हैं, उनके हाथ से एक काम करवाना है, अगर आप हेल्प करें तो वो आपके दोस्त हैं आपकी मदद करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, जैसे मैं आपका दोस्त हूँ आपकी मदद के लिए तैयार हूँ, आप मेरी मदद के लिए तैयार हूँ, तो ठोकर सिंह भी हमारा दोस्त है वो भी हमारी मदद करेगा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा काम बताइए। तो उन्होंने काम बताया कि हरदासपुरा में हमारा कब्रिस्तान है, वहाँ उसकी हालत बहुत ही बुरी है और वहाँ पर बाउंड्री वॉल नहीं है, तो उस बाउंड्री वॉल को लोगों ने नजायज कब्जा कर रखा है, तो उसमें कोई काम करवाना है, उसमें पैसा बहुत लगेगा, अगर मंत्री जी कृपा करें तो ये काम हो सकता है। मैंने कहा चलिए। हम दूसरे दिन मंत्री जी के पास पहुंच गए। मैंने कहा ठोकर सिंह जी बात ऐसी है, ये जिंदार अली जी मेरे दोस्त हैं, आपको पता है इनका काम है, इनका क्या काम है, पब्लिक का काम है, समाज का काम है, और ये उस कब्रिस्तान की मरम्मत करवाना चाहते हैं और बाउंड्री वॉल को लगाना चाहते हैं, आप हेल्प करेंगे? उन्होंने कहा क्यों आप बोल रहे हैं तो हम क्यों नहीं करेंगे हेल्प, और किसकी हेल्प करेंगे? तो उन्होंने उसी वक्त दिलदार अली शाह को कहा कि मैं 10 लाख रुपया मंजूर करके दे रहा हूँ, आप कल ही काम शुरू कर दीजिए। साथ में उनके डीसी साहब और कंसर्वेटर साहब थे तो उन्होंने देखा आप देख लो इस काम को कैसे करवाना है, वैसे मैंने ऑर्डर कर दिया है दिलदार अली साहब को भी कल से काम शुरू कर दो। और दिलदार अली को कहा कि आपका काम इस पैसे से अगर पूरा नहीं होगा तो मैं बैठा हूँ, मैं और पैसा दूंगा। तो मेरे बोलने का सिर्फ इतना मतलब है कि वो काम करवाने के लिए किसी हद तक भी जा सकते थे, किसी के साथ भी जा सकते थे, वो लोगों के दुख दर्द के लिए कुछ भी नहीं देखते थे, ना रात देखते थे ना दिन देखते थे।
मैं ऐसी बहुत सी घटनाएं हैं, कभी फिर बात करेंगे तो सुनाएंगे। एक मैं आज हार्दिक दिल से उनकी पुण्य आत्मा को दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि भेंट करता हूं। धन्यवाद। गुरु नहीं थे पर इनके द्वारा बताने के बाद आज ये बातें भी समाज में और हमारे बीच उठ कर आई हैं कि उनके योगदान कहां कहां तक थे। मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से अपना टाइम निकाला और हमारे बीच आए। अब इसके बाद मैं माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच जो गणमान्य लोग आए हैं उन्हें जो स्मृति चिन्ह देकर जो है सम्मानित करें। विधायक महोदय जी मंच पर आए और हमारे बीच अजीज दोस्त भी थे और हमारे साथ भी इन्होंने वो पूरा रिश्ता रखा है जो इनका अपने दीदार भाई के साथ था। पीछे राणा जी को, राणा अंकल की भी बहुत सी यादें मैं समझता हूँ अपने दीदार भाई के साथ रही हैं। अब इनके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा भूपेंद्र अंकल जी को, भूपेंद्र चड्डा जी को, जिन्होंने अभी अभी हमारे पूर्व में रहे सदर मरहूम दीदार अली शाह जी की जीवनी पे प्रकाश डाला था। अब इनके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा श्री नरेश राणा जी को। जब कभी भी हमें मेडिकल कॉलेज में जब ये कार्यरत थे हमें जरूरत पड़ती थी तो दीदार बाबू जी हमेशा ने याद करते थे और ये अपना पुरजोर जो सहयोग जो वहाँ देते थे और उन्हें उनके काम को अपना काम समझ के करते। नरेश अंकल जी हम आपका उन्हें बुलाना चाहूँगा। अब इनके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा विनोद भाई को। विनोद भाई ऐसी शख्सियत हैं जो बहुत दीदार के साथ परछाई की तरह रहे और आज वही परछाई इन्होंने हमारे साथ रखी है। आज 5 दिन हो गए इन्हें इस ब्लड डोनेशन कैंप के ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे साथ, ये जो सुबह से लेकर रात को 1 बजे तक यहाँ पर रहते हैं और पिछले कल भी ये रात को 2 बजे इस चौगान को सब सेटअप करके गए थे और सुबह हमारे से भी पहले यहाँ आए हैं। विनोद भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा हाजी अशरफ जी को जो महासचिव हैं अंजुमन इस्लामिया जिला चंबा के। इसके बाद मैं बुलाना चाहूँगा चंबा सेवी सोसाइटी के अमित भाई को मंच पर आए क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान जो है वो चंबा के लोगों के लिए रहता है। हमेशा ये चंबा के लोगों के लिए तत्पर रहते हैं। मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा गुलाम सुरगामा जी को जो अध्यक्ष हैं गुजर कल्याण सभा के। मंच पर बुलाना चाहूंगा खालिद मिर्जा जी, इनका मिर्जा परिवार का चंबा के इतिहास में बहुत पुराना योगदान है और ये हमारे चौगान वार्ड से एमसी भी हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आपका भी यहाँ पर आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू। मैं उन्हें भी मंच पर बुलाना चाहूँगा आईटीआई चंबा। हमारे बीच अगर हिल मॉडर्न आईटीआई के जो संचालक हैं अगर वो हमारे बीच हैं तो काइंडली मंच की तरफ आ जाएं। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा जो इस महादान शिविर में अपना योगदान देने वाले व्यक्ति जो हैं वो मंच पर आएं और अपना एप्रिसिएशन सर्टिफिकेट जो यहाँ से हासिल करें। सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा मिस्टर रविंदर, तरुण गिल, मिस्टर तरुण गिल,
उपाध्यक्ष भी हैं और एक बहुत ही कर्मठ युवा कार्यकर्ता भी हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तरुण गिल जी। मिस्टर रविंदर कुमार, मिस्टर रविंदर कुमार, मिस्टर नीरज कुमार, मिस्टर नीरज कुमार, मिस्टर सतीश कुमार, मिस्टर सतीश कुमार, हमारे बीच हमारी बड़ी बहन इंदु बाला जी भी इस बार 31st टाइम जो है वो ब्लड डोनेट कर रही हैं। दीदी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और इनका बेटा जो है वो 10th टाइम जो है वो ब्लड डोनेट कर रहा है। विधायक जी इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है क्योंकि इनका साथ ही मेडिकल कॉलेज के घर है तो जब भी जरूरत पड़ती है वहाँ आते हैं। इनका बेटा भी मंच पर आए, इसका नाम सात्विक है, इसने 10th टाइम डोनेट करा है जी। मैं धन्यवाद करूंगा सदर विधायक जी का, आप अपना स्थान ग्रहण करें। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसके बाद मैं हमारे हरदिल अजीज माननीय श्री नीरज नैयर जी को मंच पर बुलाऊंगा क्योंकि इनके साथ भी मैं समझता हूं दिलदार बाबू जी की बहुत यादें हैं, तो मंच पर आए और कुछ शब्द उनके लिए रखें। सदर विधायक श्री नीरज नैयर, सबसे पहले तो मैं अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष, जो डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं इसरार अली शाह जी, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि उनके महरूम वालिद दिलदार अली शाह जी की आज पुण्यतिथि के मौके पे हर वर्ष जो वो है ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो उसको ऑर्गेनाइज करते हैं और इससे पूर्व भी जो है मैं इन कैंप्स में मैं पहले भी आया हूँ और इस वर्ष जैसे कि अभी मुझे मन से बताया गया कि ये शायद सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर तकरीबन होने जा रहा है। तो आज दिलदार अली शाह जहाँ भी होंगे वो अपने बच्चों को और अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो उन्होंने खड़ी की थी उसको सुचारू रूप पर चलते हुए फलते हुए पनपते हुए देख के वो जहाँ भी होंगे उनकी रूह उनकी आत्मा जो है आज बहुत खुश होगी। साथ ही मैं हमारे ब्रिजलाल जी, देसराज जी, हाजी अशरफ शेख जी, भूपिंदर चड्डा जी, फारूक भट्ट जी, हाजी दीन मोहम्मद जी, प्यार मोहम्मद जी, विवेक कौंडल जी, रजाक मोहम्मद जी, पीर मोहम्मद जी, अमीन मलिक जी, शाकिर अली शाह जी, फैजल शाह जी, माकूम कुरैशी जी, अमन मिर्ज़ा जी, खालिद मिर्ज़ा जी, आरिफ मलिक जी और अन्य जितने भी लोग फारूक अपने भट्ट साहब थे जो आपके सलोनी के अध्यक्ष हैं और माफ़ करना अगर किसी का नाम लेना भूल गया, तो जितने भी अंजुमन इस्लामिया से जुड़े हुए जितने भी लोग जिनके योगदान की वजह से आज जो ये ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो कामयाब हुआ है, मैं सबको जो है अपनी तरफ से बधाई देना चाहूँगा। और साथ ही में मैं बोलना चाहूँगा, अभी मैं चड्डा जी को सुन रहा था तो दिलदार अली शाह जी के बारे में बता रहे थे, तो दिलदार अली शाह, देसराज जी और इन लोगों के साथ हम छोटे छोटे बच्चे होते थे तो मेरे पिताजी के साथ दिलदार अली शाह जी का बड़ा पुराना जो है मतलब रिलेशन रहा है। पर्सनल लेवल पर, मैं सिर्फ पार्टी लेवल पर नहीं बोलूँगा, पर्सनल लेवल पर
और मुझे याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम इन लोगों को अपने घर आते जाते देखते थे, और उस टाइम में ये फोटोस्टैट मशीन्स नहीं होती थी और हाथ से जो है ये लिस्टें जो हैं ये लोग बनाते थे। तो बहुत पुराने जो है हमारा परिवार जो है इस परिवार के साथ जो है बड़े पुराने टाइम से जुड़ा हुआ है, और मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि आज जो अंजुमन इस्लामिया है बेहतरीन काम कर रही है। मैं राजपुरे के राजपुरा में हमारी पुश्तैनी ज़मीन भी हुआ करती थी, और मुझे याद है जब हम बच्चे होते थे तो पीर बाबा की वहाँ मज़ार थी और हम वहाँ मथा टेकने के लिए जाया करते थे। आस्ते आस्ते देखते 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 उस इलाके का भी कायापलट हुआ है, तो उसके लिए भी जो मेरे ख्याल से योगदान सबसे बड़ा योगदान जो है वो अंजुमन इस्लामिया का रहा है। इमारत जो है वो एक दिन में नहीं बनती है और एक व्यक्ति से नहीं बनती है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसमें ऐसा व्यक्तित्व होता है जो सबको इकट्ठे लेके चलने में क्षमता महारत हासिल कर रखता है। तो दिलदार अली शाह भी मुझे लगता है एक ऐसे व्यक्तित्व थे, और मुझे याद है 4 साल पहले जब उनका काल हुआ तो लोगों का जो हजूम देखने को मिला ऐसा मैंने बहुत कम जो है देखा है, और उसी हजूम से ये चीज़ पता लगती है, क्योंकि वो हजूम सिर्फ मुस्लिम लोगों का नहीं था, हर वर्ग से जो व्यक्ति है जुड़ा हुआ व्यक्ति जो है हर धर्म से जो है वो वहाँ आया और उन्होंने जो है अपना दुख प्रकट किया। तो ये आदमी की कमाई होती है, ये एक पुरानी कहावत है कि रिस्पेक्ट इज कमांडेड इट इज नॉट डिमांडेड। इज्जत जो है आप मांग नहीं सकते, इज्जत तो आपको कमानी पड़ती है, और ये कमाई थी उनकी जब वो इस दुनिया को छोड़ के गए तो हमने ये चीज़ पाई कि जिस तरीके से लोगों का हजूम था। तो हर आदमी जो जन्म लेता है एक दिन उसने जाना है, और अच्छी बात मुझे ये लगी कि जो उनका परिवार है और जो उनसे जुड़े लोग थे उन्होंने जो है आज भी जो है उनका जो सपना था भाईचारे का, अमन प्यार भाईचारे का जो एक संदेश था और सब वर्गों को इकट्ठे लेके चलने का जो उनका एक आदत थी, मुझे ऐसा लगता है और मैं आशा करता हूँ कि अंजुमन इस्लामिया से जितने भी जुड़े लोग हैं इसरार जी और जितने भी लोग जुड़े लोग हैं वो जो सीख आपको देखे गए हैं आप उसको जो है आगे भी जो है उसको बढ़ाते रहेंगे, और उनके कदम पर पहुंचना तो बहुत मुश्किल काम है लेकिन समय आपके पास बहुत है, अभी आप जवान हो यू आर यंग। और मैं भी आज अगर राजनीति के अंदर आया हूं तो मेरा भी ये पहला जो है टर्म है विधायक बनके मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, और मैं भी जो है अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता हूं कि सब वर्गों को जो है मैं साथ लेके चलूं, और बिना पार्टीबाजी के सबका काम करूं, ये मेरी कोशिश रहती है, ये मेरा ध्येय रहता है। और जिंदगी के अंदर हम कभी ये नहीं सोच सकते कि सारे के सारे 100 लोग जो है वो हमारे साथ होंगे, कुछ लोग हमें अपोज भी करेंगे और कुछ लोग हमारे साथ भी चलेंगे, लेकिन हमारी ये कोशिश होनी चाहिए जो हमें अपोज भी करते हैं उसको भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में हम ले और अपनी तरफ से जो है जो हमारी सोच है हम उसको जो है आगे लेके जो है हम बढ़े। और क्योंकि आज ब्लड डोनेशन कैंप है, मेडिकल से जुड़ी हुई आज ये चीज़ है, मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि हाल ही में चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर जो है हमने 170 करोड़ रुपए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो है 170 करोड़ रुपया 7 महीने के अंदर जो है चंबा मेडिकल कॉलेज के लिए दिया है,
और हाल ही में 21 डॉक्टरों की जो तबादले हैं वो चंबा मेडिकल कॉलेज के अंदर कर दिए गए हैं, जिसके अंदर 6 डॉक्टरों ने तकरीबन ज्वाइन कर लिया है। और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर जो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो भी जो है उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। और कुछ ना कुछ जो हमारी मुश्किलें हैं, क्योंकि एक दिन के अंदर मेडिकल कॉलेज खड़ा नहीं हो सकता। आज अगर आप शिमला मेडिकल कॉलेज की बात करें, टांडा मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो वो भी अभी जो है कई साल हो गए हैं उनको चले हुए। तो एक रास्ता, कठिन रास्ते पे हम चले हुए हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले ये जो चार महीने हमारे पास बचे हैं, इसके अंदर बेहतरीन काम जो है मैं अपने इलाके के लिए कर सकूं, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और अभी जितना दिलदार अली शाह के बारे में लोगों ने बताया, मुझे लगता है कि अगर आप पूछना शुरू करेंगे देसराज जी, तो दिलदार अली शाह के बारे में बहुत कुछ बोल सकते हैं। ये स्टेज पे बोलना पसंद नहीं करेंगे, मुझे पता है, लेकिन ये उनके सबसे अच्छे मित्रों में से मैं सोचता हूँ थे और जुड़े हुए थे। और चड्ढा साहब भी, और चड्ढा साहब अभी बात कर रहे थे कि वो जो दीवार के राजा साहब ने पैसे सेंक्शन किए, मैं भी इस चीज़ का मैं उस मौके पे जो है वहाँ था, और राजा वीरभद्र सिंह जी मेले के दौरान या किस टाइम आए थे, और रात को घर मेरे घर के अंदर जो है डिनर था, और उस टाइम पे ये जो बजट था इसके लिए जो चार दीवारी करनी थी, मुझे ध्यान है ये फाइल जो है वहीं पे ही साइन हुई थी। और मेरे ख्याल, अगर मैं गलत ना हूँ, तो मोक्ता जी उस टाइम पे डीसी थे, जहाँ तक मेरे को याद आ रहा है। तो ये बातें हैं, याद रह जाती हैं। और ज़्यादा लंबा मैं अभी बोलना नहीं चाहूँगा, मैं यही बोलूँगा कि मेरी तरफ से भी अंजुमन इस्लामिया को मैं अपनी तरफ से जो है मैं 21,000 रुपये का जो है मैं योगदान जो है मैं अपनी तरफ से दूंगा। और मेरे पास इतनी ज़्यादा विधायक निधि है नहीं, मेरे पास आए दिन लोग, मजबूर लोग जो है वो आते रहते हैं। और क्योंकि अंजुमन इस्लामिया अच्छा काम कर रही है हर वर्ग के लिए, सिर्फ चंबा कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं, पूरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ लोग जुड़े हैं, और हर समुदाय के लोगों ने आज यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप किया है। मैं भी लिस्ट चेक कर रहा था, तो अगर उसमें 40 लोग मुस्लिम समुदाय से थे, तो 40 लोग जो है वो हिंदू समुदाय से भी थे। मैं ये चीज़ भी मैं चेक कर रहा था वहाँ बैठ के। तो हमारा इलाका जो है भाईचारा अमन का जो है हमेशा से एक प्रतीक रहा है, और ये जो अटूट प्यार का बंधन जो हमारा है, मैं ये चाहूँगा कि ये जो है हमेशा स्वभाव प्यार ये जो है हमेशा बना रहे। और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अच्छे बुरे लोग जो हैं वो हर जगह होते हैं, हर जगह होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो ये तो दुनिया का दस्तूर है। तो किसी एक गलत आदमी की वजह से बाकी सारे लोग जो हैं वो गलत नहीं हो जाते, और हमेशा ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए। आप कोशिश करो कि जो है सबको साथ लेके चलने में जो है आगे जो लेके चलने में जो है इसमें देश की भी तरक्की है, और आगे जो है अमन भाईचारा जो है हमारे इलाके का जो बना हुआ है ये आगे भी जो है बना रहना चाहिए। और मैं एक बार फिर से जो है अंजुमन इस्लामिया को जो है बहुत बहुत जो है बधाई देना चाहूँगा। और आपने मुझे यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पे मुझे आपने यहाँ शिरकत करने का मौका दिया, मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा, और जो भी मेरे से बन सकेगा, मैं आपका यहाँ से विधायक हूँ, जो मेरे से बन सकेगा, आपको कोई काम है कुछ है आप मेरे पास आ सकते हैं, सदैव जो मैं आपके लिए खड़ा जो आप मेरे को पाएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है विराम लेना चाहूँगा, और ख़ास तौर पर मैं कौन सी सोसाइटी आपने नाम बताया था, चंबा सेवियर सोसाइटी का भी मैं ख़ास तौर पर धन्यवाद करना चाहूँगा,
हमारे अमित महाजन जी हैं, चरणजीत जी हैं, इन्होंने ये भी हर वर्ष जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। अभी कोई आईटीआई से भल्ला जी हैं, उन्होंने भी 30 लोग जो हैं यहाँ भेजे हैं, तो ये एक बहुत अच्छा काम है। और क्योंकि आज परवेज भट्ट जी हैं, इन्होंने भी जो है बहुत बौकरी मोड़ से इन्होंने भी जो है लोग भेजे हैं। मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ब्लड डोनेशन जो है ये एक बड़ा पुण्य का काम है, और वैसे भी अगर आप साइंटिफिक टर्म्स के अंदर आप इसको देखो तो ब्लड डोनेट करना एक बहुत ही हेल्दी चीज़ होती है, आपके शरीर के लिए भी अच्छी होती है। हाँ, यू कैन नॉट डू इट कि आप साल में 10 बार दे दो, लेकिन 6 महीने के अंदर या साल के अंदर एक बार तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। इससे आपका शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा और आपके इलाके के अंदर जो लोग हैं जिनको खून की ज़रूरत है उनकी भी जो है सहायता जो है होती रहती है। तो एक बार फिर से सारे डोनर्स आज जो यहाँ एकत्रित हुए, मैं आप सबका भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने जो है इस कैंप को जो है सक्सेसफुल किया। और मुझे बताया गया है कि आज का टारगेट जो है 120 लोगों का था, और जब मैंने यहाँ चार्ट पढ़ा तो मेरे ख्याल 90 के 86 तो पहुँच गए होंगे, और आते आते अभी तक 90 हो गए होंगे। और मैं आशा करता हूँ कि शाम तक जो है आप अपना टारगेट अचीव करो, ना कि टारगेट अचीव करो उसका रिकॉर्ड जो आपने टारगेट है आप उससे भी ऊपर जाओ। और सच्ची श्रद्धांजलि दिलदार अली शाह को यही होगी कि जो वो एक सीख देके गए हैं उसको जो है उनके जितने भी मेंबर्स हैं उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूंगा। जय हिंद, जय चंबा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। मैं एक मिनट गुजारिश करूंगा सदर विधायक जी से कि हमारे बीच कुछ गणमान्य लोग उपस्थित हुए हैं, आप उन्हें भी जो है वो सम्मानित करें। मेरे गुरुजी आदरणीय श्री मदन रावत जी हमारे बीच आ चुके हैं, मैं विधायक जी को रिक्वेस्ट करूंगा उन्हें जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित करें। हमारे बीच रजाक मोहम्मद जी कसाकड़ा से उन्हें भी सम्मानित करें। हमारे बीच लियाकत खान जी हैं जो साउथ से हैं और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिला में महासचिव के पद पर विराजमान हैं, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं, जिला परिषद। मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच ललित भूषण जी हैं जो पर्सनल सेक्रेटरी टू एमएलए चंबा हैं, इन्हें भी जो है वो स्मृति चिन्ह भेंट करके जो है वो सम्मानित करें। इसके बाद मिस्टर विशाल जी, इसके बाद हमारे बीच प्रेस बंधु जो है वो उपस्थित है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा माननीय विधायक जी के पास समय कम है, लेकिन एक शॉर्ट नोटिस पे 10 लोग हैं, इन्हें भी जो है वो सम्मानित कर दें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा शिव शर्मा जी जो सोशल मीडिया प्रेस से हैं और हमारी हर कवरेज को जो अपने चैनल के माध्यम से प्रकाशित करते हैं और समय समय पर जब जरूरत पड़ती है और हमारे बीच आते हैं, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। जो इस्लामी जिला चंबा की ओर से इसके बाद मैं हमारे प्रेस के सलाहकार जो अंजुमन इस्लामिया के भी हैं और जिला प्रेस क्लब के जो है वो सीनियर एडवाइजर हैं अमित खान जी, जब जब भी विधायक जी हमें जरूरत पड़ती है इन लोगों की ये निस्वार्थ भाव से जो हमारे भी जाते हैं और हमें अपना आशीर्वाद देते हैं, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा दीपक शर्मा जी जो कि इस समय अध्यक्ष हैं दिव्या हिमाचल से, जब जब हमें जरूरत पड़ी है ये लोग हमारे बीच आए विधायक जी, चाहे ईद का मौका हो, चाहे मिलादुल नबी का मौका हो, राजपुरा में बुलाया गया हो, चंबा मस्जिद में बुलाया गया, ये लोग हमारे बीच आते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। इसके बाद मैं हमारे जो हरदिल अजीज और हमारे भाई हैं अमीन मलिक जी जो निस्वार्थ भाव से हर समय हमारे लिए उपस्थित हैं, चाहे वो कोई भी कार्यक्रम हो, इन्होंने अपनी उपस्थिति जो दर्ज करवाई है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मीनू भाई, अमूमन इन्हें मीनू भाई के नाम से जाना जाता है और मीडिया के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। इसके बाद मैं लाइफ टाइम टीवी से ऋषभ महिंद्रू जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा।
इसके बाद मैं बंचो बुलाना चाहूंगा जितेंद्र मेहरा जिंदू भाई, जितेंद्र मेहरा जिंदू भाई। इसके बाद मैं एमएम डैनियल जो कि हिमाचल दर्पण के ब्यूरो चीफ है, एमएम डैनियल मून वॉरिस डैनियल जी, निस्वार्थ भाव से काम करने वाले ऐसे व्यक्ति जो कभी मौका मिले तो हमें टोक भी देते हैं, आपका धन्यवाद। इसके बाद काकू भाई, आपसे गुजारिश है मंच पर आए और अपना स्मृति चिन्ह जो है वो माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री नीरज नैयर से प्राप्त करें। हमारे बीच राजेश जहरी जी, हमारे बीच रविंद्र ठाकुर जी, हमारे बीच रविंद्र ठाकुर जी जो सोशल मीडिया प्रेस से हैं, राजेंद्र ठाकुर जी, हमारे बीच अलविता जी जो आजाद न्यूज के ब्यूरो चीफ हैं, हमारे बीच अमर उजाला से अयूब खान, हमारे बीच अजरुद्दीन जी चुफा समाचार से है, अगर वो यहाँ उपस्थित हो, अनिल जी, हमारे भाई जो सुबह से हमें तंग कर रहे हैं रिंकू भाई, क्योंकि हमारे जिले में आए सलूनी से अपना समय निकाल कर। विधायक जी ये जलंधर थे और जलंधर से रातों रात इस प्रोग्राम के लिए चंबा आज आए हैं, मैं विधायक जी को गुजारिश करूंगा कि स्मृति चिन्ह देकर जो सम्मानित करें स्पेशल गेस्ट फारूक भट्ट जी, कार्यरत हैं और ब्लड बैंक में इंचार्ज हैं, काइंडली स्टेज पर आए और अपने स्टाफ के साथ जो है वो पूरा योगदान देते हैं। आज भी सुबह से ये 10 बजे से हमारे बीच उपस्थित हैं और जब तक हमें लास्ट ऑर्डर का ये ब्लड ब्लीड ना करवा लें यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। जो दे दें, थैंक यू सो मच। मैं कमर जावेद मिर्जा जी से रिक्वेस्ट करूंगा और मंच पर आए। हमारे बीच एडवोकेट डिंपल जी भी हैं, ये भी आए और अपना अवार्ड जो है वो ले। थैंक यू सर। मैं अंजुमन इस्लामी जिला चंबा की ओर से और समस्त मुस्लिम समुदाय की ओर से, यहाँ तक कि आपसी भाईचारे के प्रतीक चंबा की जनता की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। इसके बाद अंजुमन इस्लामी जिला चंबा की तरफ से एक धाम का प्रबंध भी जो किया गया पंडाल के इस तरफ है, आप सभी से गुजारिश है खाना खाकर जाएं, आप सभी के लिए जो खाना उपलब्ध है, धन्यवाद। हमारे जो है ब्लड डोनेशन कैंप कल लगाया गया था 6 सितंबर को, आज जो है हमारे सैयद दिलदार अली शाह जी की याद पर हर साल जो है ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जा रहा था, तो आज जो है उनकी याद में चौथा जो है ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया था। इसमें अभी तक जो है लगभग 90 लोगों ने जो रक्तदान कर दिया है और सबसे बड़ी बात है कि ये चंबा डिस्ट्रिक्ट का पहला ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप है जिसमें कि हर कम्युनिटी के लोग जो हैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। और इसमें मैं आपको सिर्फ छोटे से उसमें बताना चाहता हूँ कि 90 लोगों में जो है लगभग 30 से 35 लोग जो है मुस्लिम समुदाय के हैं और उसके अलावा हिंदू मुस्लिम
सभी लोगों ने जो है ब्लड यहाँ पर डोनेट करा, और मैं आपके माध्यम से, सभी चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि यहाँ पर ये पहला ऐसा ब्लड डोनेशन कैंप है जहाँ पर जो है इतने लार्ज स्केल में और इतना बड़ा जो है कैंप जो है करवाया गया है। जो आज प्रोग्राम हुआ इसके बारे में हम बहुत मतलब प्रोग्राम करने वालों का, कराने वालों का धन्यवाद करते हैं, और हमारा एकता भाईचारा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी सभी इकट्ठे होकर जो ये प्रोग्राम आज किया गया इसका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा और धन्यवाद करता हूँ, और आगे भी हम ऐसे प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे और अपना योगदान देते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। जी सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सिख चैनल का। आज जो अजमल के जो ये इकट्ठा हुआ था शाह अली जी ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, इसमें 90 में से 90 ही डोनेट ने ब्लड डोनेट किया।